हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अब रुख करेंगे शेखपुरा का, जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जलसा जारी है और इस वक्त इस जलसे से अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद खिताब कर रहे हैं। अगर मेरे मौला को मंजूर हुआ तो इमरान खान आ रहा है, आ रहा। इस मुल्क में बड़े बड़े वजीरे आजम आए, ऐसा वजीरे आजम भी आया उसका नाम ही मैं भूल गया। आज मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा, मैंने जड़ा वाला में छोड़ दिया था, ये खबरों की टाइम फैसल मुझे बुझलाता है। क्योंकि इस साल का आखिरी जलसा मैंने 17 को उकाड़े में करना है, मेरा इलाका है। एक वजीर आजम मर गया, उसका बाप आया, सॉरी मर नहीं गया, क्या नाम था उसका, मोइन कुरैशी, थैंक यू ओन चौधरी, हमेशा ओन चौधरी काम आता है। मुझे मेरा एक डीएसपी वाकिफ था, सुनो लोगों मेरी बेटियों, मुख्तसर सी बात है, उसने मुझे फोन किया, शेख रशीद मुसीबत में फंस गया हूं। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता है मोइन कुरैशी मियानी साहब अपने बाप के कब्रिस्तान में आ रहा है, उसकी कब्र का पता नहीं है कहां है। और मैंने कहा किसी की कब्र पे कुतबा लगा दे, उसने ऐसा ही किया, किसी नामालूम लावारस कब्र पे सुबह कालीन बिछ गया और वहां दुआ हो गई। और उस डीएसपी ने कहा सारी जिंदगी कमाल कर दिया। लोगों, पाकिस्तान की सियासत में मैंने आपको बात कही थी कि 11 नवंबर से लेके 11 मार्च तक, सुबह 11 नवंबर है, दिसंबर है, 11 दिसंबर से लेके 11 मार्च तक इंशाल्लाह ताला ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे, ये बदमाश, ये गैर मुल्की एजेंट, ये नमूसे रसालत के दुश्मन, इनकी सियासत को नेस्तो नबूक कर देंगे। और हजूर, हमारे गरीब गुर्दे बेचे, 2 मिनट सुनना, क्योंकि कल भी मैं लाहौर गया था, मैंने जिंदगी में 4 रिकॉर्डिंग कराई हैं। लोग कहते हैं क्या करें, 8 बजे भी 2 प्रोग्राम देख रहे थे, डॉन पे और समा पे, 10 बजे भी 2 देख रहे थे, किसको देखें किसको बंद करें। लोगों, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, ये अल्लाह की पकड़ में आए जो 14 आदमी मॉडल टाउन में इन्होंने शहीद किए हैं, 6 आदमी रावलपिंडी में शहीद किए हैं, कल उसकी FIR मिली है, कल एक में सॉरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है। हमारी एक मिनट, मैं आपको आज ये कहने आया हूं, 70 साल से इस मुल्क में धोखे होते आ रहे हैं, ये अपने बच्चों को बांटते हैं, हमारे बच्चों को डांटते हैं, इनका पाकिस्तान में कुछ नहीं है, इनके कपड़े भी बाहर टंगे हुए हैं। मैं अभी 2 दिन के लिए लंदन गया, ये सारे बीमार स्टोरों में फिर रहे थे, हंसने की बात नहीं है। और मैंने नैब के जावेद, जस्टिस जावेद साहब को कहा कि एक अच्छा सा अस्पताल चारों सूबाई दारुलहुकूमतों में बनाओ, क्योंकि नैब के चोरों की बड़ी लैन लगने वाली है, ये भाग जाते हैं पाकिस्तान से, ये भाग जाते हैं। लोगों, मर गए कर्जों में, 200 अरब रुपए की बिजली चोरी जो करता है वो पैसा 30 यूनिट वाला देता है, 200 अरब रुपए का LNG
वो सुई गैस का रेट बराबर करने के लिए किया जा रहा है ताकि चोर ले अरबों रुपए का बीपीएल का पेट्रोल 65,000 रुपए का ये आप ले रहे हैं 32,000 रुपए का। लोगों हमारी जिंदगी क्या है आखिरी जुमले कहना चाहता हूं, खामोशी चाहिए, आवाज ना आए, आवाज बेटियों की तरफ ना आए क्योंकि मेरे 5 मिनट पूरे हो गए हैं। खैर खैर आज कह रहे हो क्या पहले कहना था, मेरी बेटियों 1 मिनट सुनो, हमारा क्या जुर्म है कि हमारी बेटियां और माएं सड़कों पे बच्चों को जन्म दे रही हैं। मैं ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का एमएसएफ का सदर था, मैं ढाका यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहा था, लोगों सुनो, एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा शेख रशीद तू पंजाबी बात कर रहा है, मैंने कहा नहीं, उसने कहा हमारी बेटियां धान के फसलों में बच्चों को जन्म देती हैं। आज मां अपने बच्चे समेत 3-3 बच्चों समेत नहरों में छलांगे मारती है, क्यों मारती है, माशी तबाही है, माशी तबाही है। आज इस मुल्क का 60% नौजवान रोजगार नहीं है, नवाज शरीफ के बच्चे 16 साल की उम्र में 800 करोड़ के मालिक बनते हैं फ्लैटों के, गरीब के बच्चे का पासपोर्ट नहीं बनता। लोगों तैयार हो जाओ, अगर सीधी उंगली से घी ना निकला तो टेढ़ी उंगली से निकालोगे, मेरे साथ झूठा वादा ना करना, मेरे बुढ़ापे में जवानी लौट रही है। मैं इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन में जिंदा रहा हिस्सा रहूंगा, क्या नवाज शरीफ के खिलाफ सियासी ऐलान जंग करोगे, क्या चोरों को मुल्क से भगाओगे, क्या डाकुओं से मुल्क को भगाओगे, क्या मनी लॉन्डर करने वालों को भगाओगे, क्या इमरान खान का साथ दोगे? इस तरह नहीं, मैं शेख हूं, शेखुपुरा में आया, अल्लाह को गवाह बना के हाथ उठा के कहो कि आप इमरान खान का साथ देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे आम से शेख रशीद अहमद खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गैर मुल्की एजेंडों को नाबूद कर देंगे, मॉडल टाउन के जिम्मेदार अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज 5 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद, मैं हूँ अली आबेद और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल। घरों के करीब मुसाफिर वैन उलट गई है, हादसे में 2 मुसाफिर जा बहक और 10 जख्मी हो गए हैं। बदीन से कराची जाने वाली मुसाफिर वैन बदीन गोलारची सजावल और ठट्टा के शहरी सवार थे, इसमें बताया जा रहा है कि ये कराची जा रहे थे कि अचानक ही तेज रफ्तारी के सबब गाड़ी उलट गई है और इस हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हुए हैं और तमाम जख्मियों को मकामी अस्पताल रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर घरों से दे रहे हैं जहां मुसाफिर वैन उलट गई है, 2 मुसाफिर जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। उधर एफसी हेडक्वार्टर सिब्बी में पुरम बलूचिस्तान प्रोग्राम के तहत कौमी धारे में शामिल होने वाले 47 फरारियों में रकम तकसीम की गई। सलीम गश्कोरी मजीद बताएंगे। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से एफसी बलूचिस्तान के ज़ेर एहतमाम कौमी इदारे में शामिल होने वाले फरारियों की बहाली के सिलसिले में पुरमन बलूचिस्तान प्रोग्राम के तहत सिब्बी स्काउट्स हेडक्वार्टर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। कौमी इदारे में शामिल होने वाले 47 फरारियों में 1.5 करोड़ रुपये की इमदादी रकम तकसीम की गई। असल में रास्ता अमन और सलामती का रास्ता ही सबसे बेहतरीन रास्ता होता है, दहशतगर्दी का रास्ता, किसी के ऊपर जुल्म और ज़्यादती गरीबों के ऊपर करने वाला रास्ता, वो वायलेंस वाला रास्ता नाकामी की तरफ लेके जाता है, कामयाबी की तरफ कभी नहीं लेके गया। तकरीब में फीकत फरारी को 3 लाख, फरारी कमांडर को 6 लाख रुपए दिए गए जबकि फरारियों में एक खातून भी शामिल है। जब तक अमन
नहीं होगा तो हर कोई इंसान महफूज नहीं रहेगा। तवक्को है कि रियासत अगर इसी तरह भटके हुए अफराद को राय रास्त पर लाने के लिए, उनकी बहाली और माशरती तरक्की के लिए इकदाम करती रहेगी तो यकीनन पुरअमन बलोचिस्तान जैसे प्रोग्राम्स के जरिए बलोचिस्तान का मुस्तकबिल रोशन होगा। चूनिया में शहरियों को बीमारियों से बचाव के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की जानिब से आगही वॉक का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे आमिर हुसैन नकवी। चूनिया में पंजाब हुकूमत की जानिब से हेल्थ मेले के सिलसिले में तहसील हेडक्वार्टर से लेकर कार्डिक सेंटर तक आवाम को बीमारियों के बचाव के लिए आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। एक वॉक का इंतजाम किया गया था जिसका मकसद लोगों को आगाही देना और इस मेले की अफादियत जो है उसका मैसेज पहुँचाना था। पंजाब ने जो हेल्थ के सिलसिले में इनकलाबी इकदाम किए उनकी आगाही के लिए ये वॉक मनकद की गई थी। वॉक में चेयरमैन मियां नसीम एडवोकेट, DHO डॉक्टर जावेद इकबाल, लेडीज हेल्थ वर्कर्स, सियासी समाजी शख्सियात के अलावा सिविल सोसाइटी के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मेला करवाया, आज वॉक किए हमने, तमाम लोगों को आगाही के लिए हमने ये सारी वॉक की है। लोगों का कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से हेल्थ कन्वेंशन 2017 में किए जाने वाले तमाम प्रोग्राम आवाम के लिए एक अहसन